चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इसको लेकर पोलिंग बूथों पर महिला वोटर की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए यहां नजर आई। उन्होंने सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। जैसा लिया है हमारे संवाददाता नागेंद्र ने। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है और समय बढ़ते बढ़ते अब मतदाताओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल मैं बांका विधानसभा क्षेत्र के बाराहाट के छठू सा आदर्श मध्य विद्यालय बाराहाट के 213 नंबर बूथ पर हैं। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में खासी महिलाओं की भीड़ है। महिला मतदाताओं पे सबका फोकस रहता है और महिला मतदाताओं के साथ कुछ समस्याएं भी रहती है। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस चुनाव में इनका मेन मुद्दा क्या है। सुविधा देगा हर चीज़ का, हम लोग बेरोजगारी हैं, सुविधा दीजिएगा। अच्छा, और मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहेगा, वोट पहले सिलेंडर मिलता था 400-500, अभी 1000 में मिलता है। अच्छा, मैंने महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, हम लोग कहाँ से देंगे? क्या है? रजिका देवी। अच्छा बताइए, कौन बोल रहे, क्या क्या मुद्दा है आपके लिए? महंगाई ज़्यादा है, गैस का रेट भी ज़्यादा हो गया है, गरीब लोग को महंगा पड़ता है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत बैठा है, हम लोग का धंधा पानी नहीं चलता है। अच्छा, यही सब, और क्या, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। सब चीज़ मैंने महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। मैंने किचन किचन का खर्च चलाने में मुश्किल आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। अभी हम लोग चावल देते हैं। सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से महंगाई थोड़ा डाउन चाहिए, सस्ता चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? रेणु देवी। अपने की मुद्दा छके? मुद्दा है सर, देखिए हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, गरीब लोगों को तो दिक्कत है ना सर। अच्छा, गरीब आदमी जो है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। जिसको कमाई है, जो 250 रुपया डेली का मजदूरी कर रहा है, उसके लिए तो अभी के समय में कितना दिकदारी है। मैंने जो वोट आप देंगी, ये सब मुद्दा को ध्यान में रखते हुए देंगी जी। आपका नाम क्या है? सोनी देवी। तो मतदाताओं की बात करें और खास करके महिला मतदाताओं की बात करें, तो इनके जहन में सबसे पहला मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। इनका मांग है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और ये मतदान करने के लिए सुबह से लाइन में लगी हैं, मतदान करेंगी। अब देखना है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कितना इनके मुद्दे पर कारगर साबित हो रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज 18, बांका। अब बात करते हैं नेहा शर्मा की, जो अजीत शर्मा की बेटी हैं और वो भी मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बाप और बेटी दोनों एक साथ नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनके घर वाले हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए इस सिंबल को दिखाते हुए नजर आ रही है कि उन्होंने वोट कर दिया है। तो नेहा शर्मा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर की अगर बात करें तो देखिए ये अजीत शर्मा अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं और लगातार कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना दमखम लगाया, वो अपील भी कर रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और इसके साथ साथ जो पूरा परिवार है, सदस्य है प्रत्याशियों के भी, वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और नेहा शर्मा की अगर बात करें तो नेहा शर्मा लगातार चुनावी प्रचार में भी वो शामिल होती रही अपने पिता के साथ और आज जो मतदान केंद्र पर पहुंच करके लोगों को भी संदेश दे रही है, लोगों से भी अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचिए और अपने वोट को कास्ट कीजिए। तो लोकतंत्र के महापर्व की एक जो अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग है, अंदाज है, वो आज नजर आ रहा है।